सत्संग कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे इशारा कर रहे हैं मुझे अब प्रभु के धाम जाना है, अब मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूँ। सुखदेव जी को बहुत आनंद हुआ, वह कहते राजन तू जैसा बोलता वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, तू कृतार्थ हो गया, तू मेरी कथा बहुत प्रेम से सुना, इसलिए श्री कृष्ण दर्शन करते करते बोलते हैं। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की और उनके चरणों में साष्टांग वंदन किया। मैं शरण में आया, गुरुदेव आप एक बार कृपा दृष्टि से देखिए, मैं अब प्रभु के धाम जा रहा हूं। जिस समय सुखदेव जी का वरद हस्त राजा परीक्षित के मस्तक पर पड़ा, उसी समय द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश को राजा को दर्शन हुए। बोल के द्वारिकाधीश राजा को कृतार्थ करने के बाद सुखदेव जी महाराज वहां से खड़े हो गए। समाप्ति में राजा परीक्षित को माता गंगा माता के दर्शन किए, उसमें स्नान किया, वो गंगा के तट पर पवित्र दर्भासन बिछाकर विराजमान हुए। सूद जी महाराज कहते ये सब मैं देख रहा था, मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि राजा के शरीर से दिव्य तेज निकला, व्यापक ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। परीक्षित विमान में बैठकर वैकुंठ में भगवान के धाम चले गए। कोई परीक्षित महाराज, परीक्षित का जीव था वो परमात्मा में लीन हो गया, शरीर था वो पड़ा था, और गंगा तट पर मैंने देखा, तक्षक आया और उसको डसा। जब तक तो भक्त भगवान के यहाँ चले गए थे, मृत शरीर को तक्षक ने डसा, विषयाग्नि में उसका शरीर धक धक जलने लगा। देवों ने पुष्ट बिल्वश्री वर्षा की, पुष्पों की वर्षा की, और राजा को सदगति मिल गई। गंगा तट पर आपने सदगुरु देव श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से मैंने कथा सुनी, वही कथा मैंने आपको सुनाई। परमात्मा की पूर्ण कृपा से अपना यह ज्ञान यज्ञ पूर्ण होता है, और इस यज्ञ में वक्ता और श्रोता आप करते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ संपूर्ण सफल नहीं होता। इसलिए सूती महाराज की आज्ञा है कि प्रायचित के लिए अपने इष्टदेव के दर्शन कर मन में करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो और हरे नम का 3 बार जप करो। आप सबने कथा सुनी, मैंने कथा सुनाई, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता है, अगर इस बीच में भी अपनी कोई भूल होती है, पाप होता है, तो हरे नमः का जप करने से सबका कल्याण होगा। सब जन बोलिए ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। ऐसा करने से जाने अनजाने में जो पाप होगा हुआ होगा वो से परमात्मा क्षमा कर देंगे, अपना ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल होगा, परमात्मा श्री कृष्ण सबको सदबुद्धि देंगे और बालकृष्ण लाल सबका कल्याण करेंगे। आज देखिए आज तक ये साप्ताहिक भागवत कथा चली, आप सबने प्रेम से सुना और मेरे को जितना ज्ञान विवेक भक्ति के अनुसार भगवान सुखदेव जी व्यास जी महाराज की गोद में मैं बैठकर कथा सुनाई, मैंने यथामिति आपको कथा सुनाई। आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं। देखिए कथा कभी समाप्त नहीं होती, आज कथा यहाँ विराम होगी, कल और कहीं प्रारंभ होगी। बोली सतगुरुदेव की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, मातृदा गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पोतरे हर हर हर। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए एक कीर्तन होगा, जब तक ब्राह्मण लोग आरती की तैयारी करेंगे, आरती के बाद ब्राह्मण